हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जर्मनी के एकीकरण, यानी जर्मनी का एकीकरण किस तरीके से हुआ। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि क्या क्या चीजें हो रही थी जो जर्मनी में एकीकरण को दिशा दे रही थी। इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण किस तरीके से बिस्मार्क ने किया गया। हमने ये जाना था कि बिस्मार्क जो है वो लिबरल नहीं था, यानी उदारवादी नहीं था, और उसको विलियम प्रसा ने मनोनीत किया था। मनोनीत करने का मतलब ये कि जो पार्लियामेंट में चुन करके नहीं आया है, यानी डायरेक्ट जिसको राजा ने बना दिया है। तो विलियम प्रसा वहां के राजा थे और उन्होंने बिस्मार्क को, ऑटो वॉन बिस्मार्क उनका पूरा नाम था, उनको क्या किया, अपना चांसलर मनोनीत कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रसा के जो ज्यादातर लोग थे वो उदारवादी थे, लेकिन जो बिस्मार्क थे वो कंजर्वेटिव थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो कुशल राजनीतिज्ञ थे, और वो जब प्रसा की डाइट हुआ करती थी तो उस डाइट में अपनी कुशलता का परिचय कई बार वो दे चुके थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, विलियम प्रसा ने उन्हें मनोनीत किया, और मनोनीत करने के बाद जो स्थिति हुई वो बहुत ज्यादा जो थी असह्य थी विलियम प्रथम के लिए, विलियम प्रसा के लिए या बिस्मार्क के लिए। लेकिन बड़े ही धैर्य के साथ उन लोगों ने उन कठिनाइयों को सहा, और सहने के बाद एक जर्मनी को बनाने में योगदान दिया। तो आज हम लोग यही जानने वाले हैं। अब जो बिस्मार्क थे वो मानते थे कि जो शासन हो वो किसी सिद्धांत से न हो, वो किसी कानून से न हो। यानी शासन संचालित अगर करना आप चाहते हैं तो आपको किसी सिद्धांत या किसी भी नियम पर नहीं चलना होगा, बल्कि आपके पास पावर होनी चाहिए। जैसे यूरोप के बहुत से ऐसे लोग थे जो मानते थे कि हमें सिद्धांत के अनुसार चलना चाहिए, ठीक है। तो ये सिद्धांत के अनुसार, जैसे अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, ये लोग क्या कहते कि सिद्धांत को ज्यादा जोर देते थे, ठीक है। तो सिद्धांत को ये ज्यादा जोर देने की बात नहीं करते थे, ये बात करते थे पावर को, शक्ति को, यानी रियल पॉलिटिक ये किया करते थे कि वास्तव में अगर हमें पॉलिटिक्स करनी है तो क्या करना होगा। केवल आदर्शवादी होने से नहीं होगा, बल्कि हमको व्यवहारवादी भी होना पड़ेगा। और ये मानते थे कि जो लोग आदर्शवादी होते हैं वो व्यवहारवादी नहीं होते हैं। वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन उस बातों पर वे अमल नहीं करते हैं। तो इनका मानना था कि हमें सैद्धांतिक न होकर के व्यवहारिक होना चाहिए, और व्यवहारिक होने के लिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को निर्णय लेने के लिए तैयार करना होगा। और इसी चीज को लेकर के इन्होंने कहा कि हम जो है पार्लियामेंट को नहीं मानते हैं, हम जो है अपने अनुसार जो है प्रसा को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यानी वो कहा करते थे कि हम जर्मनी का एकीकरण तो करेंगे लेकिन प्रसा के नेतृत्व में करेंगे। इससे पहले जब 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था तो आपको मालूम था कि ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी ताकत थी, और ऑस्ट्रिया जब ताकत ज्यादा थी तो यहाँ होना यह था कि जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में हो। लेकिन बिस्मार्क ने कहा कि आप घबराए नहीं, हम एकीकरण तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ प्रसा के नेतृत्व में एकीकरण होगा, यानी जो शासन संचालन का जिम्मा होगा वो प्रसा के पास होगा। और इसके लिए इन्होंने कहा कि हमें व्यवहार नहीं, सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यवहारवादी होना चाहिए। इसी चीज को बोला जाता है रियल पॉलिटिक्स। यानी ये हीगल के विचार से प्रभावित थे, मैकियावेली के विचार से प्रभावित थे, और ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि अगर आप शासन संचालन करना चाहते हैं उसके लिए जो भी नीति आपको अपनानी पड़े अपनाइए, यानी साम दाम दंड भेद, ये अगर तीनों भी अगर आपको अपनाना पड़े तो अपनाइए। और इसी चीज को मानता था बिस्मार्क। वो किसी न किसी तरीके से जर्मनी का एकीकरण
चाहता था और इसी चीज को लेकर के उसने क्या किया, आयरन एंड ब्लड की नीति अपनाई। यानी जर्मनी को एक करने के लिए उसने क्या किया, आयरन एंड ब्लड की नीति अपनाई। यानी कहा कि कोई भी देश अगर एकीकरण चाहता है, कोई भी देश जो है मजबूत होना चाहता है, तो उसको सिद्धांत पर नहीं बल्कि व्यवहार पे अमल करना होगा। और इसी भी चीज को इसने कहा कि हमें आयरन यानी लोहा, ब्लड यानी खून, तो आयरन लोहा से यहाँ क्या मतलब है, यानी उन्होंने कहा कि हमें औद्योगिक रूप से जो है प्रसा को मजबूत बनाना होगा, बहुत ज्यादा जो है यहाँ फैक्ट्री लगानी होगी ताकि प्रसा आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए और ठीक उसी तरीके से सैनिक रूप से भी मजबूत हो जाए। तो इसको लेकर के इन्होंने आयरन एंड ब्लड की नीति का अवलंबन किया। लेकिन आपको मालूम है कि प्रसा जब उदारवादी था उस समय ये कंजर्वेटिव थे, यानी उदारवादी नहीं थे। तो उदारवादी नहीं थे, ऐसी स्थिति में इनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आएगी और आती भी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उन सारी कठिनाइयों को बहुत ही अच्छे ढंग से सुलझाया। इनके पास हर काम को करने के लिए एक प्लान होता था, पहले से ही प्लानिंग ये कर लेते थे और ऐसा लगता था कि जो कुछ भी हो रहा है इनके प्लानिंग के अनुसार हो रहा है। तो ऐसे में इन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए और लगभग सभी प्लान जो है सफल हुए। जैसे इन्होंने क्या किया कि जब ये चांसलर बने, तो आपको मालूम है कि प्रसा में जो ऊपर जर्मनी का हिस्सा था प्रसा, यहाँ अधिकतर लोग जो थे लिबरल थे, उदारवादी थे, जबकि ये क्या थे, कंजर्वेटिव थे। ऐसी स्थिति में विलियम प्रसा का विरोध तो हुआ ही, बिस्मार्क का भी विरोध होना शुरू हो गया। लेकिन इन्होंने अपने विरोधियों को खुश करने का बहुत ही अच्छा उपाय निकाला। इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, समाजवादी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सैनिक रूप से मजबूत करने की बात करी इन्होंने। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सेना को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो आपको अधिकतर पैसा सेना पे खर्च करना होगा, जबकि जो लिबरल किस्म के लोग होते हैं या समाजवादी किस्म के लोग होते हैं, सोशलिज्म किस्म के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जो चीजें हैं, जो पैसे हैं हमारे, वो लोगों पर खर्च होनी चाहिए, लोगों के खाने पर खर्च होने चाहिए, उनके स्वास्थ्य पे खर्च होनी चाहिए, उनके लिए सुविधाओं पर खर्च होने चाहिए। लेकिन यहाँ जो है बिस्मार्क क्या कहता है कि पैसा ज्यादातर जो खर्च होना चाहिए वो सेना पे खर्च होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या समाजवादियों के द्वारा उनका विरोध होना जायज नहीं है? बिल्कुल जायज है, समाजवादी जो है उनका विरोध करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसके लिए नीति अपनाई और उन्होंने समाजवादी पार्टी को ही बैन कर दिया, कहा कि जर्मनी में कोई भी समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ जान लेना जरूरी है कि हम पार्टी को बैन कर सकते हैं, किसी पार्टी को जो है चुनाव लड़ने या उसके बारे में बोलने या उस तरह के प्रचार प्रसार करने के लिए पार्टी को तो रोक सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकते हैं, किसी व्यक्ति के विचार को नहीं रोक सकते हैं। ठीक यही हुआ, समाजवादी पार्टी को तो बैन कर दिया, लेकिन समाजवादी विचार के लोग जो थे अब भी जो है अपने काज में लगे हुए थे। तो समाजवादी विचार के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जन उपयोगी कार्यों को ज्यादा जोर देते हैं। इसके लिए बिस्मार्क ने क्या किया, जन उपयोगी कार्यों को करना शुरू किया। जन उपयोगी कार्यों को करने से समाजवादी जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। अब कौन कौन से कार्य किए, तो इन्होंने क्या किया, हेल्थ पॉलिसी निकाली, यानी हेल्थ इंश्योरेंस किया, यानी जिन लोगों को स्वास्थ्य ठीक ना हो उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया। दूसरा चीज शुरू किया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे, उद्योग धंधों में काम करते थे, आपको मालूम है कि 16-18 घंटे तक काम कराया जाता था, तो उस समय जो उनको दुर्घटना हो जाती थी उससे जो इनको सहायता मिलती थी वो एक्सीडेंटल बीमा के तहत मिल जाती थी। उसी तरीके से ओल्ड एज पेंशन की शुरुआत की। तो आपने देखा कि समाजवादियों की जो मांगे होती है सरकार से, उन चीजों को इन्होंने पूरा कर दिया। ऐसे में समाजवादी जो थे वो बिस्मार्क के क्या हुए, सपोर्टर हो गए। उसी तरीके से उदारवादी थे, जैसा कि मानना है उदारवादी जो लोग होते हैं वो कंजर्वेटिव को नहीं चाहते हैं, विरोध करते हैं। उदारवादी लोग जो है वो लोगों में जो है उदारता लाना चाहते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ जब प्रसा था और ऑस्ट्रिया था इसमें किस तरीके की धार्मिक व्यवस्थाएं थी। प्रसा जो था उसमें जो प्रोटेस्टेंट लोग थे वो ज्यादा थे, ऑस्ट्रिया में कैथोलिक लोग ज्यादा थे। तो इन्होंने उदारवादियों को खुश करने के लिए क्या किया कि चर्च की शक्ति को कम करने शुरू कर दी।
आपको मालूम है कि प्रसा के लोग जो थे वो कैथोलिक चर्च को नहीं मानते हैं और चर्च में ज्यादातर आस्था जो होती है वह कैथोलिक लोगों की ही होती है। तो इस तरीके से जो उदारवादी लोग थे जब उन्होंने देखा कि इन्होंने चर्च की पावर को कम करनी शुरू कर दी है, इससे वो ज्यादा क्या हुए, खुश हुए। और खुश होने के बाद जो है उन्होंने भी बिस्मार्क की बातों में हां मिलाई और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि औद्योगिकरण किया। उदारवादी जो लोग होते हैं वो विकास चाहते हैं और विकास को लेकर के इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करी और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने से एक तरफ प्रसा जो है मजबूत हुआ ही, साथ ही साथ जो उदारवादी लोग थे वो भी बिस्मार्क के सपोर्ट में आ गए। अगर हम बात करें बिस्मार्क की बात तो उसने मध्यम वर्ग को भी खुश करने का शुरू किया, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया तो औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण से जो है उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ने से मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनके पास पूंजी आई और इस वजह से मध्यम वर्ग के लोग भी क्या हुए, खुश हो गए। अगर बात करी जाए राजा की तो विलियम प्रसाद जो था वो इसलिए ही बिस्मार्क को बनाया कि वो जर्मनी का एकीकरण करे और जर्मनी के एकीकरण के लिए सही कदम जो है बढ़ाया जा रहा था बिस्मार्क, इसलिए राजा भी खुश था। तो आप देख सकते हैं कि बिस्मार्क ने सभी लोगों को खुश करने का काम किया है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे उदारवादी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोगों को उन्होंने क्या किया, खुश करने का प्रयास किया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है अपने तरीके से उन्होंने अब जो है अपने अनुसार जो है उन लोगों को खुश करने की कोशिश की। उसके बाद जब आपको हमने बताया था सेना पे खर्च करने की, तो कई भी कभार जो है वो सेना जो थे वो उन पर खर्च करने के लिए पैसे जो है पार्लियामेंट्री के द्वारा पास नहीं किए जाते थे। मैंने आपको बताया सभी लोग खुश थे लेकिन एक पार्लियामेंट जो थी वो ना खुश थी, क्योंकि बिस्मार्क जो है अपनी मनमानी करता था। जब भी कभी पैसे की जरूरत होती थी तो पार्लियामेंट जो है वो पैसे पास नहीं करती थी, वो कहती थी कि ज्यादातर इसकी जरूरत है जनता पे खर्च होनी चाहिए, जन उपयोगी कार्यों पे खर्च होनी चाहिए, ना कि सेना पे खर्च होनी चाहिए। इसलिए बिस्मार्क ने जो भी राजस्व वसूली होता था वो बिना पार्लियामेंट्री के अनुमति के वो सेना पे खर्च कर देता था। तो सेना पे खर्च कर देने से हुआ ये कि जर्मनी की जो सेनाएं थी वो मजबूत हुई, आर्थिक रूप से भी जर्मनी जो है वो यानी प्रसा जो है मजबूत हुआ और इस तरीके से अब जो है रोड मैप इन्होंने बनाया एकीकरण का। आपने अभी देखा कि पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, सेना को मजबूत किया, सभी विरोधी थे उन लोगों को खुश किया, अब इन्होंने एक्चुअल जो काम है एकीकरण करने का काम किया और इसके लिए भी इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा कूटनीतिक रूप से सहारा लिया और सहारा लेकर के इन्होंने क्या किया, जर्मनी को एक करने की कोशिश की। जैसा कि आप पढ़े हैं कि जर्मनी जो था उसमें 39 राज्य थे, छोटे बड़े राज्य थे, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया ये दो बड़े राज्य थे, तो इन लोगों को एकीकृत करने की कोशिश करी इन्होंने और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जितने छोटे छोटे राज्य थे उनको जीतने शुरू कर दिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब एक देश अपने पड़ोसी देशों को जीतना शुरू कर देता है तो बाकी बाहरी के जो देश होते हैं या उसके अन्य पड़ोसी देश होते हैं वो ये ध्यान रखना लगते हैं कि ये गलत हो रहा है या इन चीजों पर हमारा अधिकार होना चाहिए। तो ऐसा उस समय भी हो रहा था, क्योंकि आपको मालूम है ऑटोमन साम्राज्य जो है, हंगेरियन समाज है जो था वो या रूस थे या फ्रांस थे या ऑस्ट्रिया था, ये पावर में थे, तो ऐसी यानी शक्तिशाली देश थे। तो इन लोगों को खुश करते हुए या इन लोगों के विरोध से बचते हुए भी एकीकरण करना था, छोटे छोटे राज्यों को मिलाना था। तो इसके लिए प्रसा ने जब छोटे छोटे राज्यों पे आक्रमण किया तो क्यों बाहरी देशों ने आक्रमण नहीं किया, आपको मैं बता दूं कि उस समय जो रसिया था वो क्रीमिया युद्ध में हार गया था और इस वजह से रसिया की स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, तो रसिया जो था झमेले में नहीं पड़ना चाहता था जब प्रसा ने छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया। उसी तरीके से बात करी जाए इंग्लैंड की यानी ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में उस समय जो है आंतरिक सुधार चल रहे थे, इस वजह से ब्रिटेन भी इससे दूर रहा। अब बात करी जाए फ्रांस की, तो फ्रांस का जो राजा था उस समय नेपोलियन तृतीय था। फ्रांस का राजा ये चाहता था कि ऑस्ट्रिया और पर्शिया दोनों एक दूसरे में लड़ते रहे और लड़ने के बाद जब उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी तो हम इन दोनों पर आक्रमण करके दोनों को अपने राज्य में मिला लेंगे। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, लेकिन प्रसा ने जो कमाल की नीति अपनाई, बिस्मार्क ने जो कमाल की नीति अपनाई, फ्रांस की धरी रह गई। उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे राज्यों को जीता और जीत करके उन्होंने अपने में मिला लिया और ऐसी स्थिति में प्रसा जो है मजबूत हो गया। आर्थिक रूप से तो मजबूत था ही, अब जो है संख्या में भी मजबूत हो गया, मिलिट्री में भी मजबूत हो गया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रिया और प्रसा इन दोनों ने मिलकर के क्या किया,
एक जो डेनमार्क का एरिया है उसका नाम है, ऊपर का जो एरिया है सेल्सविक और नीचे का एरिया जो है होल्स्टीन, जबकि आपको मालूम है बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया जो था वो, या प्रसा और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग प्रदेश थे, अलग अलग सोच थी, अलग अलग सब कुछ था, लेकिन जो बिस्मार्क था या विलियम प्रसा था उसने मना लिया ऑस्ट्रिया को, और उसके बाद दोनों ने मिलकर के डेनमार्क के एरिया पे आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद सेल्सविक और होल्स्टीन को जीत लिया डेनमार्क से, और उसके बाद सेल्सविक जो था वो किसने ले लिया, पर्सिया ने ले लिया, और होल्स्टीन जो है ऑस्ट्रिया को दे दिया। लेकिन आपको मालूम है कि ये दोनों प्रदेश जो थे इसमें जर्मन भाषी लोगों की संख्या ज्यादा थी, ऐसी स्थिति में इन्होंने जो तय किया था कि ये हमारे प्रदेश तो रहेंगे लेकिन ये जर्मनी में नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। लेकिन जर्मन भाषा को बढ़ते हुए देख करके बिस्मार्क ने क्या किया, वहां जो है जर्मन राष्ट्रवादी भावनाएं भड़कानी शुरू कर दी, यानी यहाँ के लोगों में जर्मनी के एकीकरण को लेकर के उन्होंने क्या किया, आवाज उठानी शुरू कर दी। इस बात का जो विरोध पर्सिया के द्वारा किया गया, तो इन्होंने जब चूंकि इनकी मिलिट्री पावर जो है मजबूत हो गई थी, और ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, पर्सिया पे आक्रमण, ऑस्ट्रिया पे आक्रमण कर दिया, और ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करने के बाद जो है 7 हफ्ते में ऑस्ट्रिया को इन्होंने क्या किया, हरा दिया। फ्रांस यहां चाहता था कि ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों लड़ते रह जाए, लेकिन जब 7 हफ्ते में इन्होंने हरा दिया इतनी जल्दी, प्रसा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, तो फ्रांस भी भौचक रह गया, फ्रांस भी डर गया, और उन्होंने फ्रांस को भी राजी किया था इस युद्ध के लिए, क्योंकि फ्रांस जो था वो ऑस्ट्रिया की मदद करना चाहता था, लेकिन प्रसा ने कहा था कि ऑस्ट्रिया फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पर्सिया युद्ध में आप तटस्थ रहेंगे, और आपको इसके बदले में ऑस्ट्रिया का बहुत सारा हिस्सा जो है आपको दे दूंगा। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रिया पर्सिया युद्ध समाप्त हो गया, और ऑस्ट्रिया पर्सिया युद्ध कब हुआ था, 1864 में, ठीक है, 1864 में हुआ था, जो डेनमार्क का एरिया था सेल्सविक और होल्स्टीन, यानी सेल्सविक वॉर हुआ था 1864 में, और 1866 में हुआ था ऑस्ट्रिया पर्सिया वॉर। तो इसमें फ्रांस जो है तटस्थ रहा, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ ऑस्ट्रिया ने पूरा प्रदेश को अपने प्रसा में मिला ही लिया ऑस्ट्रिया का, लेकिन फ्रांस को एक रत्ती भर भी जगह नहीं दी। इससे जो है अब फ्रांस जो है वो बहुत ज्यादा चिढ़ गया। अब चूंकि आप अगर चाहते हैं सही और सुचारू रूप से शासन संचालित करना, तो आपको पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखने होंगे, या उनकी ताकत को कमजोर करके रखने होंगे। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जब प्रसा ने ऑस्ट्रिया को मिला लिया, तो ऑस्ट्रिया में नीचे के जो लोग थे वो प्रतिक्रियावादी थे, वे उग्रवादी नहीं थे, तो राजा को तो इन्होंने हरा दिया, लेकिन लोगों के मन को कोई नहीं हरा सकता। यानी अभी जो ऑस्ट्रिया के लोग थे वो प्रसा में मिलने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में इसके लिए भी उन्होंने रोड मैप बनाया और बतलाया कि जब तक हम बाहरी देशों का डर नहीं दिखाएंगे, तब तक ये लोग जो है एक नहीं होंगे। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, फ्रांस का डर दिखाया, इन्होंने इसके लिए एक रोड मैप बनाया, और उसके तहत इन्होंने क्या किया कि फ्रांस को जो है उकसाया, और उकसाया कि फ्रांस जो है जर्मनी पर या आक्रमण कर दे, और इससे जर्मनी पे जब आक्रमण होगा तो पूरे जर्मनी के लोगों में एकजुटता आएगी और वे फ्रांस के विरुद्ध लड़ेंगे। और इसके लिए इन्होंने फ्रांस को उकसाना शुरू किया, और इसके लिए इन्होंने कौन सा झगड़ा अपनाया, इसके लिए झगड़ा अपनाया स्पेन का। तो स्पेन में उस समय तनासा था, और तनासा को जब लोगों ने उखाड़ फेंका, तो इन्होंने यहाँ राजा की बात आई, और इसको लेकर के प्रसा ने कहा कि जो स्पेन में राजा होगा वो हमारा होगा, जबकि फ्रांस ने कहा कि हमारा होगा। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कितना अंतर है, बीच में फ्रांस है, उसके बाद स्पेन है। लेकिन चूंकि पावर ज्यादा आ गई थी प्रसा में, तो इन्होंने क्या कहा कि स्पेन में जो राजा होगा वो हमारा होगा, और इस बात को लेकर के फ्रांस और जर्मनी के रिश्ते बिगड़ते चले गए। और इसी बीच एक अन्य उपाय किया गया, ये कि फ्रांस जो है जर्मनी पे आक्रमण कर दे, और इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि जब फ्रांस के जो राजदूत थे जर्मन में, उन्होंने कहा कि ये गलत कर रहा है जर्मनी, उसे जो है फ्रांस का राजा स्पेन में होने देना चाहिए। इस चीज को बिस्मार्क ने क्या किया कि उलट करके पेश किया, यानी गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रेस में पारित कर दिया, और ये बतलाया कि जो प्रसा है उसने फ्रांस के राजा का अपमान कर दिया है। इससे फ्रांस के लोगों में बहुत ही ज्यादा क्रूरता आ गई, और वे क्रुद्ध हो गए, और क्रुद्ध होने का परिणाम यह हुआ कि फ्रांस ने जर्मनी पे आक्रमण कर दिया। जब फ्रांस ने जर्मनी पे आक्रमण किया, तो फ्रांस जो है बुरी तरीके से हार गया, क्योंकि
यहाँ के लोगों में यानी ऑस्ट्रिया के लोगों में भी एकजुटता आ गई और वे एक हो गए और फ्रांस पूरी तरीके से हार गया। हार ही नहीं गया बल्कि फ्रांस को इतनी ज्यादा जो है बेइज्जती झेलनी पड़ी जिसका अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। आपको मालूम है कि फ्रांस का एक एरिया था ऑल्सस लॉरेन को भी इन्होंने क्या किया, छीन लिया। राजा तो बना ही, ऑल्सस लॉरेन भी ले लिया। इसके अलावा 5 मिलियन जो फ्रेंच मुद्रा थी वो इन्होंने फ्रांस से लिया इस युद्ध का खजाना। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फ्रांस को पूरी तरीके से इन्होंने जो है शर्मसार किया, यानी फ्रांस को जो है बहुत ज्यादा बेइज्जती की। और इसमें फ्रांस की बेइज्जती जब हुई तो फ्रांस के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने अपने मन में यह ठाना। उस समय के बहुत सारे पेंटिंग चित्र आती है जब ये बतलाने की कोशिश की जाती है कि आप हारो नहीं, समय आएगा और समय आने पर आप इस स्थिति का या आपके साथ जो हुआ है उसका आप मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आपको मालूम है कि इसी समय से जो है जर्मनी और फ्रांस में जो कटुता थी बढ़ती गई। और ये कब देखने को मिली, 1914 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें आपको देखने को मिली। यही रीजन था कि फ्रांस ने जर्मनी के साथ जो है वर्साय की संधि की, उसमें बहुत ही ज्यादा जो है जर्मनी को पंगू बनाने की कोशिश की गई। तो इस वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रांस जो था बुरी तरीके से हार गया और इस तरीके से पूरी जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में संभव हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।